Hello guys, welcome to my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आजकल बरसात का मौसम जब खत्म हो रहा है और जाड़े की शुरुआत हो रही है, तो इस समय एक नई समस्या बहुत तेजी से फैल रही है, वायरल फीवर। वायरल फीवर होता क्या है? ये एक वायरस जनित रोग है जो संक्रमित व्यक्ति से किसी दूसरे को संक्रमित कर सकता है। वायरस वो चीज होती है जो हमें नंगी आंखों से आइए जानते हैं। बुखार आने से पहले हमारा शरीर किस तरह के संकेत देता है, जिससे हम जान जाएं कि हम वायरल के चपेट में आने वाले हैं। थकान, शरीर में थकान महसूस होने लगती है। किसी भी छोटे काम को करने में बहुत कठिनाई लगती है। पेशेंट हरदम रेस्ट की पोजीशन में रहता है, मतलब आराम चाहता है। मांसपेशियों में दर्द, थकान के साथ साथ मांसपेशियों में दर्द होना भी वायरल फीवर का एक बहुत बड़ा लक्षण है। खांसी, गले में जलन के साथ रह रहे तक खांसी आना, यह संकेत देता है कि आप वायरल की चपेट में आने वाले हैं। जोड़ में दर्द, केवल के साथ साथ हाथ पैर के जोड़ों में दर्द होना भी बुखार का संकेत है। गले में खराश होती है तो बुजुर्गों को ठंडा पानी पीने का मन करता है, प्यास और बढ़ जाती है, तो गले में कांटे जैसी सूजन होती है। दस्त, तो लोगों को वायरल होने से पहले दस्त के शिकार हो जाते हैं। अब ये तब होता है जब पेट में संक्रमण के वजह से वायरल होने की संभावना होती है। सिर और आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है, सिर में भारीपन आना शुरू हो जाता है, स्किन पे रैशेज होने लगते हैं, कई लोगों को त्वचा पर लाल लाल दाने या रैशेज उभर आते हैं। ये सिम्टम भी वायरल के संकेत हैं। आंखों से पानी आना, वायरल होने से पहले आंखें भारी हो जाती हैं और आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है। चेहरे पर सूजन, पकीनेस हो जाती है चेहरे पे, दिन के वक्त भी लगता है, आदमी सो के उठा उस तरह से हल्की फुल्की स्वेलिंग लगती है। भारीपन, ठंड लगना, हालांकि मौसम इसमें ठंडी का नहीं है, गर्मी है, फिर भी वायरल में लगता है कि हाँ ठंड, टेम्परेचर डाउन हो गया है, ठंडी की तरह महसूस होता है और जो शरीर के रोएं हैं वो खड़े हो जाते हैं। अगर ये सारे सिम्टम दिख रहे हैं किसी भी परिचित में, किसी भी आपके नज़दीकी में, तो समझ लीजिए कि वो वायरल से अफेक्टेड होने वाला है, प्रभावित होने वाला है। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में आपने जरूर सुना होगा। होम्योपैथिक दवाइयाँ किसी भी रोग का अचूक इलाज मानी जाती है। इस समय जब वायरल बहुत तेजी से अपने पैर पसारे हुए हैं, तमाम चिकित्सकों के आप बहुत लंबी लंबी लाइनें देख सकते हैं, लेकिन अगर आप होम्योपैथिक चिकित्सा पर विश्वास करते हैं तो एक बार नीचे बताई गई औषधियों का किसी नजदीकी चिकित्सक के सलाह पर प्रयोग जरूर करें। इससे आपका वायरल सुगंध हो जाएगा और काफी चमत्कारिक लाभ मिलेगा। फ्रेंड्स, होम्योपैथिक दवाइयां जो हैं, उनका प्रयोग जो चिकित्सक होते हैं, हम जो भी डॉक्टर्स हैं, ये सारे एक डिटेल के स्टेकिंग के बाद ही प्रिस्क्राइब करते हैं। बट आप जो भी दवाइयाँ हम बता रहे हैं उनको अपने किसी नज़दीकी फिजिशियन से, होम्योपैथिक फिजिशियन से संपर्क करके और उसके यूज के बारे में संपर्क कर लें, वो आपको निश्चित रूप से अच्छी सलाह देंगे। जैसे कुछ दवाइयाँ हैं होम्योपैथ में, एक नाइट एलियन सुक्का, बेलाडोना, यूफ्रेसिया, ब्रायोनिया, यूपिटोरियम, रस्टॉक्स, चाइना ऑफिसिनेलिस, यूपिटोरियम, इन्फ्लुएंजिना, गलकामारा। आज
प्रमुख दवाएं हैं। इसके अलावा अन्य भी दवाएं हैं जो हम सिम्टम अनुसार लक्षण अनुसार पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। चिकित्सकीय परामर्श के बाद आप इन दवाओं को घर पर लाकर रख सकते हैं और समय समय पर उनका प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। धन्यवाद।